लेंस लॉ, फेराडेज लॉ में ई इज इक्वल टू माइनस बी फाई बाई डी टी में जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, वो डायरेक्शन शो करता है करंट या ईएमएफ की, और उसको और एक्सप्लेन करने के लिए लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ ये कहता है कि द इंड्यूस करंट, जो करंट जनरेट होगा या पैदा होगा, जब अपने आप करंट जनरेट होता है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं, तो जो करंट अपने आप जनरेट होगा जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, विल अपीयर इन सच अ डायरेक्शन, वो कॉइल में या किसी भी लूप में ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा, सच दैट इट अपोजेज, वो अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इस स्टेटमेंट को बाद में पढ़ता हूँ, पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉइल है, ये रहा वो कॉइल, मान लो इस तरफ इस डायरेक्शन में इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मान लो इस तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया और बढ़ाना शुरू कर दिया, 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 5 टेस्ला 6 टेस्ला बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि फ्राडे ये बोलता है कि इसमें करंट तब पैदा होगा जब इसका फ्लक्स चेंज होगा। अगर आपने बी को कांस्टेंट कर दिया 10 टेस्ला, फिर तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इसमें कुछ जनरेट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर करंट जनरेट हो, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको बी को बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो आपने इस डायरेक्शन में बी को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब लेंज लॉ कहता है कि इसमें करंट ऐसे पैदा होगा कि ये इंक्रीजिंग बी को अपोज करेगा। ये चाहता है कि भाई मेरा बी इंक्रीज ना करो, मैं इसको अपोज करूंगा, अगर आप मेरे फ्लक्स को इंक्रीज करोगे मैं फ्लक्स को इंक्रीज होने नहीं दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये अपने अंदर करंट ऐसे पैदा करेगा कि ये, क्योंकि जब इसमें करंट होगा ये अपना बी जनरेट करेगा, ये बी तो मैंने जनरेट किया एक्सटर्नल बी, ये अपने अंदर करंट ऐसे जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, हमने लास्ट यूनिट किया था बैट लॉ, इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा करंट ताकि इसका बी किस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, और आपके प्रोड्यूस्ड या आपके अप्लाइड बी को ये क्या कर सके, अपोज कर सके, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसका बी बढ़े। ये क्या चाहता है कि अगर आप इसका बी बढ़ाओगे, ये कहता है कि मैं करंट ऐसे पैदा कर लूंगा कि आपके बी को मैं अपोज करूंगा, और कैसे अपोज करूंगा, करंट को ऐसे घुमाऊंगा अपने अंदर कि बी आपके ऑपोजिट हो जाए और आपका बी मैं अपोज कर सकूं। तो इंड्यूस करंट हमेशा क्या करेगा, अपोजिशन में रहेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर मैं इस तरफ बी को इंक्रीज करता हूं, ये मेरा अप्लाइड बी है जो मैंने बाहर से अप्लाई किया और मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये करंट को ऐसे जनरेट करेगा कि इसका अप्लाइड बी इधर आ जाए, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट का बी। इंड्यूस्ड बी, इंड्यूस्ड बी का मतलब इसमें अपने आप करंट पैदा हुआ जिसने बी जनरेट किया। तो इसने जो बी जनरेट किया वो आपके अप्लाइड बी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो आपके अप्लाइड बी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो पहला स्टेप क्लियर है। तो इसमें करंट कैसे देखा आपने, चलो उल्टा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने कहा कि ठीक है यार, ये तो कह रहा है कि बी को इंक्रीज नहीं करने दूंगा, तो आपने सोचा एक काम करते हैं, इसी तरफ बी को डिक्रीज कर देते हैं, 10 टेस्ला 9 टेस्ला 8 टेस्ला 7 टेस्ला डिक्रीज कर देते हैं। अब ये कॉइल कहते हैं अच्छा तो मेरा बी डिक्रीज कर रहे हो, अब मैं बी डिक्रीज भी नहीं होने दूंगा, जब तुम इंक्रीज कर रहे थे तो कहते मैं इंक्रीज नहीं होने दूंगा, अब तुम इसी तरफ इसका बी डिक्रीज कर रहे हो, ये कह रहे मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा, तो अब ये कहते हैं मैं करंट ऐसे पैदा कर लूंगा कि तुम्हारे डिक्रीजिंग बी को मैं बढ़ा सकूं। अब करंट को ऐसे की बजाय ऐसे कर लेगा ताकि इसका बी भी आपकी तरफ, आपके अप्लाइड बी की तरफ हो जाए, और आपके कम होती हुई बी को ये क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो जब आप एक्सटर्नल बी बढ़ाते हो तो ये क्या करता है, करंट ऐसे जनरेट करता है कि आपके इंक्रीजिंग बी के ऑपोजिट भी हो जाए, और जब आप एक्सटर्नल बी कम करते हो तो ये करंट ऐसे पैदा करता है कि इसका प्रोड्यूस किया हुआ करंट बी आपके डिक्रीजिंग बी की तरफ चला जाए। मतलब कि इंड्यूस करंट आपके अप्लाइड बी को अपोज करेगा ही करेगा। आप अगर कहते हो कि मैं बी बढ़ाऊंगा, ये कहते मैं बढ़ने नहीं दूंगा, आप कहते हो अच्छा चलो मैं बी कम करता हूं, तो कहते मैं कम भी नहीं दूंगा, बढ़ाते हो तो आपके ऑपोजिट हो जाता है, डिक्रीज करते हो तो आपके साथ हो जाता है, ताकि अपने डिक्रीजिंग बी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लेंज लॉ कैसे काम करता है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होती है। तो इंड्यूस करंट हमेशा आपके अप्लाइड बी, जो आप बाहर से बी अप्लाई करते हो, उसको हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। अपोज का मतलब ये नहीं होता कि कम करता है, कम को ज़्यादा करता है, ज़्यादा को कम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल लो, मान लो आपके पास ये आपका बी है,
ये आपका एक्सटर्नल बी है, और बी की वैल्यू इस तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस बार आपने यहाँ इंक्रीज कर दिया, 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 10 टेस्ला। अब ये क्या करेगा, अगर आप इस तरफ बी को इंक्रीज करोगे, है ना, अगर आप इस तरफ बी को इंक्रीज करोगे तो ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा तो मेरा बी इंक्रीज कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, अपना करंट ऐसे पैदा करूँगा कि आपके बी को मैं क्या कर सकूँ, अपोज। तो करंट ऐसे पैदा करेगा कि इसका बी इस तरफ हो जाएगा, ताकि आपके बी को वो क्या कर सके, अपोज। और अगर आप, ये समझ में आया, इंड्यूस बी इस तरफ है, लेकिन अगर आप बी इस तरफ डिक्रीज करते हो, कम करते हो, अभी कहते हैं अच्छा तुम बी इधर डिक्रीज कर रहे हो, तो मैं डिक्रीज भी होने नहीं दूंगा, अब मैं करंट को ऐसे घुमाऊंगा कि मेरा बी भी डिक्रीजिंग बी की तरफ चला जाए, और आपके डिक्रीजिंग बी को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज। तो जब आप बी डिक्रीज करते हो तो आपके साथ हो जाता है, जब आप इंक्रीज करते हो आपके ऑपोजिट हो जाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल आप अप्लाई करते हो, आप जब एक्सटर्नल बी यहाँ पर अप्लाई करते हो, जिससे कि करंट पैदा होता है, इंड्यूस होता है, वो इंड्यूस करंट आपके एक्सटर्नल बी को ही क्या करता है, अपोज करता है। तो इसीलिए स्टेटमेंट में क्या लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस करंट जो पैदा हुआ विल अपीयर इन सच अ डायरेक्शन। तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में जाएगा, इट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो जिसने इसको पैदा किया, इंड्यूस करंट को आपके एक्सटर्नल बी ने पैदा किया, उसी को ये क्या करता है, अपोज करता है। आपका एक्सटर्नल बी जब चेंज हो रहा था, जिस वजह से करंट पैदा हुआ, करंट ऐसे पैदा होगा कि आपके अप्लाइड बी को ये क्या करता है, अपोज करता है। आपका अप्लाइड बी अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपके अप्लाइड बी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। यह आपका लेंज लॉ है, ठीक। तो